तो सबसे पहले जो देखते हैं इसकी, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे मेरा कोई सिंग मार्क नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंग मार्क है। तो कितना डिफरेंस है आपका, यहाँ पे देख रहे हो 50 58 माइक्रोन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो सिंग मार्क आएगी 58 माइक्रोन का, यहाँ पे आपको डिफरेंस आएगी। अगर मैं यहाँ पे फिल टाइम वगैरह देखूँ इसको, मैं अगर एनिमेशन कर दूँ तो एनिमेशन पे आप देख पाओगे कितना सेकंड लग रहा है, टोटल तो जो है 11 सेकंड लग रहा है। तो ये कंप्लीट फिलिंग होने में जो यहाँ पे सेकंड दिखाया जा रहा है, 11.13 सेकंड का यहाँ पे फिलिंग हो रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आज का जो वीडियो होने वाला है ऑटोडेस्क मोल फ्लो के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ऑटोडेस्क की मोल फ्लो के ऊपर वीडियो नहीं लाया, तो आज का जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो होने वाला है ऑटोडेस्क मोल फ्लो के ऊपर। तो दोस्तों ये जो मेरा मोल्ड देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मेरा जो मोल्ड देख पा, टॉयलेट सीट कवर की मोल्ड है, आप देख पाओगे ये जो कंप्लीट मोल्ड है, इसका मैं कंप्लीट मोल्ड की आपको फोटो दिखा दूंगा जब मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। आज का जो ये मोल्ड है, इस मोल्ड को हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं मेटेरियल लेने वाला हूँ, यहाँ पे एबीएस के लूंगा, कौन सा ग्रेड लूंगा, ट्रेडमार्क क्या लूंगा, सारा सीधे डिटेल आपको यहाँ पे एनालिसिस में आपको मिल जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिसको भी अगर मोल्ड फ्लो एनालिसिस सीखना है ऑटोडेस्क में, नंबर मेंशन दे, सॉफ्टवेयर भी साथ में दूंगा, पूरा 100% चलेगा क्रैक के साथ, ठीक है। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक वीडियो देखना। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, नीचे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक तरह से नया मोल्ड फ्लो की बैच स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे टॉयलेट सीट है, ठीक है, टॉयलेट सीट कवर है, तो यहाँ पे मैं टॉयलेट सीट कवर जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम है आपको नाम को सेव कर देना है, उसके बाद जो है यहाँ पे जहाँ पे भी उसको सेव करना है, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सेव है, तो मैं यहाँ पे किसी और नाम के साथ सेव करूंगा, ठीक है। तो सेव करने के बाद तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी फाइल है जो ऑलरेडी बना हुआ है, उस फाइल को हम यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको देखना है यहाँ पे जो भी आपकी मॉडल है, इस मॉडल पे क्या डायग्नोस्टिक्स हो सकता है, तो यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली एनालिसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा इम्पोर्ट डायग्नोस्टिक्स है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एनालिसिस करेंगे क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ये एक अच्छा फायदा है, ठीक है, जो ऑटोडेस्क में है। तो यहाँ पे मेरा यूनिट जो है एमएम में रहेंगे, और जो अप्रोक्सीमेटली साइज बन के आ रहा है यहाँ पे, मैं इतना साइज ले लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे आपको ये देखने में आएंगे ऑटोमेटिक क्लीनअप, ऑटोमेटिक जो सुइटेबिलिटी से इसको हम ओके कर लेंगे, ठीक है। तो जितना भी आपकी देखो इम्पोर्टेड है, जो भी डिफेक्ट्स है, फिक्सिंग मॉडल डिफेक्ट वगैरह है, वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा आपका जो ऑटोडेस्क है, मोल फ्लो है, ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे, और जो भी एरर्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली इसको रिसाइकल कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टैंडर्ड डुअल मॉडल लेके हम इसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा मॉडल आ गया, आप देख पाओगे ये मेरा जो है ऑटोडेस्क मोल फ्लो है, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कंपोनेंट बना हुआ है, तो जो गेट्स वगैरह है मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ठीक है। तो गेट्स कैसे बनाना है, पार्ट में क्या वर्कपेस वगैरह आएंगे, क्या सिंगमर वगैरह आएंगे, तो सारा चीजें हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ तक देख लिया तो आगे जो चीजें है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरा कॉम्पोनेंट आएंगे, सबसे पहला सबसे कॉम्पोनेंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे फाइल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, अभी मैं यहाँ पे देखेंगे इंजेक्टर लोकेशन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाया, तो यहाँ पे मेरा इंजेक्टर लोकेशन दूंगा, ठीक है। इंजेक्टर लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के मैं इसको सेंटर पे ले आऊंगा, ठीक है। लाने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेंटर पे ले आऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सेंटर पे ले आया, यहाँ पे अगर आप शेडेड व्यू में जाते हो, या यहाँ पे आपको जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ज्योमेट्री में जाता हूँ, यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशन में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में देखना हो, यहाँ पे एक्स वाई जेड का प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जितना भी आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आप इधर से चेक कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इधर पे रहूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है इसकी मेटेरियल डिफाइन करना है, मेटेरियल कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट मेटेरियल करूंगा, सिलेक्ट मेटेरियल पे देखो यहाँ पे कॉम्पोनेंट मेरा बनने वाला है एबीएस में, ठीक है, पीपी में भी बनता है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एबीएस में। तो एबीएस का मैं कौन सा मेटेरियल यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सीक्वेंस में जाते हैं, सीक्वेंस में आपको क्या मिलेंगे सबसे पहले से बता देता हूँ मैं। तो मैं पहले मेटल बताता हूँ, सीक्वेंस आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरर, कौन सा मैन्युफैक्चरर का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे इतना सारा मैन्युफैक्चरर है ना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सीधा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जो मेरा कंपनी जो यूज करता है, जहाँ पे मेरे को जिस पार्टी के लिए मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने इसकी मोल की फोटो दिखा दी आपको, तो उसका जो होता है वो एबीएस का यूज करता है, स्टायरोलोशन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एबीएस में जाऊंगा, एबीएस में जाने के बाद एबीएस स्टायरोलोशन पे जाऊंगा। तो एबीएस स्टायरोलोशन देखो यहाँ पे आ गया, स्टायरोलोशन एबीएस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसका जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे नोवोडूर का यूज करता हूँ,
M204 का। ये होता है कैसा है एक्चुअल में, इसका जो पैकेजिंग आता है ब्लू कलर में लिखा होता है स्पाइरल लोशन, और जो ग्रे कलर का जो ये पैकेजिंग बॉक्स आता है, अगर आप कंपनी में यूज करते हो तो आपने देखे होंगे ये। और देखो यहाँ पे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड जो है 7 है, क्योंकि ABS का क्या आता है 7 आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं मेटेरियल पे जाऊंगा, मेटेरियल के जाने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मेटेरियल प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे मेटेरियल प्रॉपर्टीज 40 से 80 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 60 रखेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। जो मेल टेम्परेचर होता है 220 से 280 के बीच में होता है, तो यहाँ पे हम 250 260 के आसपास रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है इंजेक्शन मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर लिमिट में 180 रखा हो। ऑटोमेटिक इंजेक्शन टाइम आपको ऑन कर देना है, और ऑटोमेटिक वेलोसिटी प्रेशर स्विच ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक रखेंगे, ठीक है। आगे क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सर जितना भी पैरामीटर वगैरह है यहाँ पे हम ले लेंगे, डिफॉल्ट वगैरह रखना है तो डिफॉल्ट रख सकते हो, नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने में आपको क्या मिलेंगे, एनालिसिस मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले लेवल 3 में कर देंगे, हाईएस्ट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरा जो मेटेरियल प्रॉपर्टीज है और जो मेरा प्रोसेस पैरामीटर है यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हम प्री एनालिसिस सेटिंग में जाएंगे, योर मॉडल इज रेडी फॉर एनालिसिस, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो मेरा मॉडल जो है एनालिसिस के लिए रेडी है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आता है प्रोसेस सेटिंग विजार्ड आता है, जिसमें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज वगैरह डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मैंने जो सारा जो है यहाँ पे 3 एनालिसिस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 करूंगा, ठीक है, तीनों रखूंगा मैं। क्या रखूंगा मैं, यहाँ कूलिंग टाइम यहाँ पे मैं रखूंगा, इसे फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एनालिसिस सेटिंग में गया, और यहाँ पे इसे भी कर सकते हो आप, एनालिसिस सेटिंग में भी जाके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जो जो रखना है आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख के इसको मैं फिनिश कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितना काम हो गया उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट एनालिसिस कर देना है। तो स्टार्ट एनालिसिस में क्या होगा, जितना भी आपकी वैल्यूज वगैरह पुट कर रहा है ऑन बिहाफ में, यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ऑटोडेक्स मोल फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट में यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो मैशिंग हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मैशिंग होते हैं, मैशिंग में भी आप कौन सा टाइप का मैशिंग करते हो, टेट्रा मैशिंग करते हो, हेक्सा मैशिंग करते हो, तो मैशिंग का भी अलग अलग इसमें टाइप्स है। तो सबसे पहले इसको हम मैशिंग होने देते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और कुछ कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार मोल्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे मोल्ड देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे हॉट रनर सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, योडो का हॉट रनर सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉट रनर का नोजल है, सिंगल नोजल है, तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे ये मेरा जो है यहाँ पे मेरा ये हाफ है और इसका फुल वाला भी है। यहाँ पे एक इंसर्ट का सिस्टम बना रखा हो, जैसे मैं इंसर्ट को हटा दूंगा ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने इंसर्ट को हटा दूंगा, यहाँ पे क्या हाफ हो रखा है, और इधर से देखोगे ये फुल है आपका। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रखा हो, यहाँ पे सिंपल इंसर्ट डाल दूंगा, इंसर्ट को चेंज कर दूंगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ टॉयलेट सीट कवर बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लगा दूंगा ना इंसर्ट को, यहाँ पे मैं फुल भी बना सकता हूँ। तो एक ही मोल पे हमने दोनों का प्रोसेस के हिसाब से इसको डिजाइन करा है, किस तरीके से सिंगल भी हो सकता है, एक किस तरीके से डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मोल्ड है, इसकी मेरे पास अलग अलग टॉयलेट सीट का है, अलग अलग टाइप का भी आता है, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का आता है वो भी मेरे पास है। ये मार्केट में मिल जाता है आपको 2000-3000 से आपका यहाँ पे ये रिस्टार्टिंग रेट है, ठीक है। और जो आता है मार्केट में अलग से 9000-10000 रुपए, जिसमें सिंगल मोल्डेड होता है, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। किसी का अगर बाय करना है डिजाइन तो मेरे पास अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। सारा प्रोसेस पैरामीटर के साथ आपको मैं दूंगा डिटेल्स, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है इसकी मैशिंग हो गया, कूलिंग जो है इसकी कैलकुलेशन हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि यहाँ पे जो है मेरा ज्योमेट्री है, मैं यहाँ पे जो है जैसे मैं व्यू में दिखा रहता हूँ, अलग अलग अगर आपको इसमें ऑन करके रखना है, जैसे मैं साइड में अलग से एक बार ओपन करके रखना है, आप यहाँ पे रख सकते हो इस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में बात करूँ, यहाँ पे जैसे मुझे रनर बनाना है, स्क्रू बनाना है, गेट बनाना है, मैं इधर से भी बना सकते हो। जो भी मेरा क्लासेस वगैरह देता हो तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगे। पहले मैं आपको रनर, स्क्रू, रनर, गेट के बारे में बताऊंगा, कैलकुलेशन बनाऊंगा, रनर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कितना टाइप का, अगर मान लो कूलिंग भी करते हैं तो कूलिंग में कितना टाइप का कूलिंग होती है, कूलिंग निपल क्या होता है, कितना टाइप के कूलिंग में कौन सा बल लगाना है, 3x4 बेस पे क्या होता है, तो एक एक चीज़ें हम डिटेल में बात करते हैं, फिर मैं जो है आपको मोल्ड फ्लो में ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रनर मैनुअली बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे रनर मैनुअली बनाना है वो भी आप सिखाऊंगा। जिसने भी ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर रहा है उसको पता लग गया होगा, ठीक ना। और एक तरीके से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रही है, अगर उस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको प्रैक्टिकली इस तरीके से सिखाऊंगा, आप नया बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप एक एक चीजें आप बना सकते हो, मल्टीक्विटी मोल भी बना सकते हो। जैसे आप ये मेरा कॉम्पोनेंट है, इसको मैं 2 KBT में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसलेट मिरर मार के भी मैं इसको 2 KBT में बना सकता हूँ। तो यहाँ पे वो सारा चीजें ज्योमेट्री में आप कर सकते हो, ठीक है।
तो बाउंड्री कंडीशन में आपको ये होता है जो भी इंजेक्शन देते हो, जैसे मेरे यहाँ पे इस इंजेक्शन है, इसका लोकेशन क्या देना है, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लोकेशन भी आप सेंस कर सकते हो। तो रिजल्ट्स में जो भी मेरा एनालिसिस होंगे तो इसके हम रिजल्ट वगैरह यहाँ पे शो करेंगे किस तरीके से इसका रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले इसको होने देते हैं, ठीक है, तो इसको मैं होने देता हूँ, सबसे पहले इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेंगे एनालिसिस होने में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है आपका एनालिसिस करने में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स पे जाने के बाद जो भी मेरा यहाँ पे टास्क है तो मैं यहाँ पे टास्क में जाऊंगा, एक बार मैं आपको इसकी एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जामिन कर देता हूँ, एग्जामिन करने में आपको ये पता लग जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये मेरा काम का नहीं है, ठीक है अभी के लिए। तो यहाँ पे आप ये देखो, देखो यहाँ पे मेरा सिंगमर क्या है, 0.0 है, लेकिन यहाँ पे मैं जाऊंगा ना, एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंगमर शेडेड सिंगमर ये, ठीक है, एग्जामिन, देखो यहाँ पे मेरा 0.0 है और यहाँ पे मैं देखो कितना डेविएशन है, ठीक है, मतलब 52 माइक्रोन्स का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब ये जो है सिंगमर आएंगे इस एरिया में हल्का सा, कितना सिंगमर आएंगे 52 माइक्रोन्स का। अब अगर यहाँ पे आप इचिंग वगैरह करते हो या टेक्सचर वगैरह है तो इसको छुपा सकते हैं 52 माइक्रोन को, लेकिन थोड़ा सा हैवी टेक्सचर वगैरह यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका ये वाला बात हो गया। अब हम देखते हैं इसकी फील टाइम में, तो फील टाइम में डिफरेंस वगैरह देखते हैं कितना टाइम में आ रहा है, तो यहाँ पे 11.14 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, देख पा रहे इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस हो रही है। तो हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो वगैरह यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, कॉन्फिडेंस ऑफ फील, ठीक है, किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी प्रिडिक्शन देखते हैं, क्वालिटी प्रिडिक्शन किस एरिया में होगा, हाई कितना है ना। उसके बाद हम देखते हैं इंजेक्शन प्रेशर कितना आता है, यहाँ पे आप देख पाओगे इंजेक्शन प्रेशर वगैरह क्या है, इंजेक्शन प्रेशर आपका आ रहा है 13.21 का यहाँ पे आ रहा है प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी स्विच ओवर होता है, ठीक है, वहाँ पे हम प्रेशर ड्रॉप वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टेम्परेचर थ्रू कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ स्किन, किस तरीके से प्लास्टिक फ्लो हो रही है, इसकी ओरिएंटेशन क्या हो रही है, तो यहाँ पे ये भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, टाइम टू रीच इजेक्शन टेम्परेचर, फ्रोजन लेयर परसेंटेज एट द एटम फिलिंग, एयर ट्रैप, कहाँ पे एयर ट्रैप हो सकता है, जहाँ पे एयर ट्रैप होगा वहाँ पे प्रॉपर वेंटिंग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इस तरीके से आप किस तरीके कहाँ कहाँ वेंटिंग देना पड़ेगा आप इस तरीके से आप निकल सकते हो। बेसिकली आपके हॉट रनर मोल्ड यहाँ पे सिंपली हॉट जो नोजल होंगे यहाँ पे रहेंगे। तो वेल लाइन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वेल लाइन, ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे वेल लाइन तो आना ही आना है, तो यहाँ पे भी आपको एयर ट्रैप ना हो इसीलिए भी फ्रंट वेंटिंग वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रो फ्रॉम, ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद सिंगमार्क मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरीके से सिंगमार्क होता है, ठीक है। सिंगमार्क आपको चैरेट में मैं दिखा देता हूँ, तो सिंगमार्क में यहाँ पे इसको घुमा के भी दिखा देते हैं। बेसिकली ए सरफेस में हम देखते हैं, बी सरफेस मेरा काम का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगमार्क होगा तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएंगे दोनों में, तो आप जो है एग्जामिन में क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली इसमें क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर वेरियंस, यहाँ पे टेम्परेचर कितना वेरियंस होंगे, ठीक है, कूलिंग वेरियंस, कूलिंग क्वालिटी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप एनालिसिस करके निकाल सकते हो, बहुत सारा चीजें है यहाँ पे। एयर टैप वगैरह देखना है तो एयर टैप वगैरह भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, मैं इसको ले आता हूँ। एयर टैप वगैरह देखना है तो एयर टैप देख सकते हो, वेल लाइन देखना है तो वेल लाइन देखो, यहाँ पे वेल लाइन देख रहे हो। एडवेंचर में हम जाके यहाँ पे हम एडवेंचर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर है, फ्लो फ्रंट कितना है, प्रेशर ड्रॉप कितना आ रही है, ठीक है, प्रेशर एट द एंड ऑफ फीलिंग, फील टाइम कितना लेंगे, तो यहाँ पे आप क्वालिटी प्रिडिक्शन में देख सकते हो, आप क्वालिटी कूलिंग क्वालिटी में कितना है देख सकते हो, तो सारा चीजें आप यहाँ पे एडवाइजर में देख सकते हो। नोट्स वगैरह में देखना है, यहाँ पे स्टडी नोट कुछ अगर बना के रखना है तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। प्लॉट प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ पे एनिमेशन वगैरह कितना नंबर ऑफ फ्रेम है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आज का वीडियो में उतना ही था। अगर किसी चीज में कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है नीचे नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 3 बैच स्टार्ट होगा, एक डाई डिजाइन का होगा, एक मोल्ड डिजाइन का होगा और एक मोल्ड फ्लो एनालिसिस के ऊपर होने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं ऑटोडेस्क में भी सिखाऊंगा, एनएक्स में भी सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको जाकर आप नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।